हाय एवरीवन। तो अभी तक हमने ग्रुप थ्योरी का बेसिक एकदम देख लिया है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्शन मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर जो हमने इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो सब उसकी जो डिटेल्स जो बेसिक पोर्शन होता है वो सारा कवर कर लिया है। तो पॉइंट टू स्टार्ट करवाने से पहले बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई जेड एक्सिस, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो। तो मैंने डायरेक्टली सोची थी पहले पॉइंट ग्रुप करवाने की, बट उसके बाद मुझे लगा कि ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जैसे ही हम कैरेक्टर टेबल तक जाएंगे उस तब तक सब कुछ गोल गोल हो जाएगा, मतलब ज्यादा डाउट्स आपको आगे आएंगे। तो उससे बेटर रहेगा अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए या कुछ भी एनालाइज करने के लिए, तो आपको किस तरह से अप्रोच करना है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। तो क्या होता है, देखो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वाली क्लास में बताया था कि ये है हमारी z एक्सिस, ये हम फॉलो करेंगे, ये z एक्सिस, ये x और ये y। अब मैं हमेशा ही यही कंसीडर करूंगी पूरी ग्रुप थ्योरी में, हमेशा ही हम ये वाला सिस्टम कंसीडर करने वाले हैं, यहाँ पर z एक्सिस, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब क्या होता है, आपको जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो ये एक्सिस आपको गिवन है इसी के अराउंड रोटेशन करवा के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी मॉलिक्यूल गिवन है, लेट्स से हमारे सिस्टम फैमिलियर वाले कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल। मैं वाटर मॉलिक्यूल से ही स्टार्ट करवाती हूँ यहाँ से। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रोटेशन देखेंगे एक्स डायरेक्शन में, मतलब आप जैसे यहाँ पर अगर ये मॉलिक्यूल मैंने रखा तो ये वाली मेरी एक्स है, ये वाली है जेड। तो अब मैंने क्या किया, अगर मैं एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाती हूँ तो क्या होगा, अगर मेरी ये वाली एक्सिस है यहाँ पर तो मैं रोटेट करवाऊंगी इसको सी टू एक्सिस, सपोज करती हूँ मैं इसको, ये मेरी सी टू एक्सिस है, अगर मैं इसको रोटेट करवाऊंगी तो क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर की साइड चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, इनिशियली हमारे पास ऐसा वाटर मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पर रोटेशन करवाने के बाद यहाँ पर ऐसा हो गया। तो मतलब ये तो क्या है, वैसे भी ये सिमेट्रिकल एक्सिस पास नहीं हुई है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस जो सी टू एक्स होगा, सी टू एक्स का मतलब है हम सी टू एक्सिस अप्लाई कर रहे हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर तो वैसे ही हमें पता चल रहा है, रोटेशन के बाद हमें ड्रॉ करने की भी नीड नहीं है कि जो ये वाली एक्सिस हमने पास करी है ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली बाइसेक्ट नहीं कर रही, मतलब सिमेट्रिकली पास नहीं कर रही थ्रू द मॉलिक्यूल। तो ये वाली एक्सिस हमारी कैंसिल हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमने पास करी जेड एक्सिस, ये हमारी कौन सी है सी टू जेड। मैं जो ऊपर लिख रही हूँ उसका मतलब क्या है, उस वाली एक्सिस के अराउंड उसको रोटेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें सी टू जेड, तो अगर आप यहाँ पर रोटेट करवाते हो ऐसे करके, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये एक्सिस पास हुई है यहाँ पर, जो इमेजिनरी एक्सिस हमने पास करी है, एक तो वो सिमेट्रिकली पास हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर से, है ना, जैसे यहाँ पर एच हमें दिख रहा है वैसे यहाँ पे एच दिख रहा है, तो ये तो बात सही है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पे सी टू जेड प्रेजेंट है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर इनकेस ये भी नहीं होती, तो अगर होती है या फिर नहीं होती है, आपको तीनों ही चेक करनी चाहिए आइडियली मॉलिक्यूल के अंदर से। देखो हमारा एक्स हो गया, जेड हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी तीनों एक्सिस होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है इस तरह से, ये सारी एक्सिस, ये हमारी एक्स, ये जेड, ये वाई। आपने इसके अराउंड रोटेशन करवा के देखी इस एक्सिस के अराउंड, फिर हमने ये वाली करवाई, अब हमारी बारी है इस वाली एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाने की। तो अगर हम वैसे कंसीडर करें, तो अगर हम ये वाली एक्सिस रोटेट करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी एक्स वाली होती है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझो, छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो हमें आगे बहुत यूजफुल होने वाली है। तो जब भी आप एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाओगे, अगर मैं इसको रोटेट करवाऊं तो क्या होगा, इससे जो नीचे वाला, जो नीचे की साइड पर जो पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, अप डाउन। यहां से मेरा क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है लाइन के ऊपर वाला पोर्शन वो नीचे की साइड आ जाएगा और जो नीचे की साइड है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्योंकि मैं इसको ऐसा रोटेट करवा रही हूँ तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इतना ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए मैंने लिख दिया अप डाउन, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब अगर मैं बात करूं अपनी जेड एक्सिस की, इसको मैं इस तरह से रोटेट अगर करवाती हूँ तो क्या होगा, जो इस साइड वाला है, जो मतलब यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये रोटेट होकर यहाँ चला जाएगा, मतलब जो लेफ्ट वाला है वो राइट वाला बन जाएगा। तो इसलिए मैं जेड एक्सिस को क्या ले देती हूँ, लेफ्ट राइट। मतलब जब भी मैं हमेशा के ये बोल रही हूँ हर जगह पर ग्रुप थ्योरी अप्लाई करेंगे हम, कि जब भी हम जेड एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें जेड एक्सिस पे क्या होगा, लेफ्ट वाली चीज हमारी राइट बन जाएगी और राइट वाली लेफ्ट, और एक्सिस एक्स के केस में क्या होता है, अब वो डाउन होता है। अब अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, यहाँ पर मैं वाई एक्सिस लगाऊं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना आप ऐसे देख सकते हो कि वाई एक्सिस पर क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर जो चीज है वो रोटेट करवाने से यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि हमें क्या करवाना है, 180 रोटेशन करवानी होती है। मैंने आपको बताया था 180 हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज ऐसे होती है तो 180 करवा के उसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे करते हैं, अगर कोई
होती है 180 का मतलब ऐसे हो जाएगी वो, या फिर कोई चीज ऐसे अगर डायगोनल में है ऐसे तो 180 जाके ऐसे हो जाएगी, यही होता है। तो ये तो हमारी एक्स एक्सिस जो कि ऐसे होती है, ये जेड एक्सिस जो कि ऐसे होती है, और अगर हम वाई की बात करते हैं तो वो डायगोनली चेंज करती है, मतलब ये वाला एच एटम अगर मैं यहां से लगाऊं सी टू एक्सिस, पास कर उसको रोटेट करा दूं, तो 180 का मतलब क्या है, ये डायगोनली चेंज जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी। मतलब जैसे हम सेंटर ऑफ इन्वर्शन में देखते थे ये वाली चीज यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो ऐसा कब हुआ, जब हम वाई एक्सिस लाएंगे, मतलब हम डायगोनली देखेंगे वाई एक्सिस के केस में, आपको देखना है डायगोनली, इतना ठीक है। ये तो हम बात करें वी एक्सिस सिमेट्री के सारे मॉलिक्यूल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो वॉटर मॉलिक्यूल है उसमें सी टू एक्सिस है, और कहां से है, हमारी जेड एक्सिस के अक्रॉस। तो यहाँ पे आप लिखोगे सी टू जेड, मतलब यहाँ पर सी टू एक्सिस प्रेजेंट है और अलोंग द जेड एक्सिस है। तो ये तो हमारा हो गया वॉटर मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं CH2CH2। ये वाला बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे सारे कवर हो जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं इसकी ऐसा होता है, ये हमारा यहां पर ये H और यहां पर भी हमारा है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं अलोंग X एक्सिस का मतलब क्या है। यहां से मैंने पास करवाई, सिमेट्रिकल है बिल्कुल, ऊपर साइड दो एच है, नीचे साइड दो एच है। तो यहां से मैं जैसे ही रोटेट करवाऊंगी तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर वाला बन जाता है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे वाला हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाऊं तो क्या होगा, अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो क्या होगा इसको जैसे रोटेट करवाऊंगी मैं, तो ये तो अपने एक्सिस पे ही रहेगा, बस ये वाला एच है ऊपर चला जाएगा, ये वाला एच है ऊपर चला जाएगा, और ये वाले चीजें दोनों नीचे आ जाएंगी, मतलब अप डाउन वाला सीन है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा H4 और ये हो गया हमारा H3 और ये H1 नीचे आ गया, ऐसे ही जो H1 है वो नीचे आ गया। तो मतलब हमने देखा कि जैसे ही हमने C2 एक्सिस अप्लाई करी है अलोंग X एक्सिस, तो क्या हो रहा है, नीचे वाली चीज तो ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, ऐसा हुआ है। और मतलब H पोजीशन हम क्या देखते हैं, इक्विलेंट कॉन्फ़िगरेशन। इक्विलेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मैंने आपको सबसे पहले बताई है कि एटम के प्लेस पर वही वाला एटम वापस से आना चाहिए। अगर हमारा हाइड्रोजन एटम है तो उसके जगह पे वापस रोटेशन के बाद हमें हाइड्रोजन एटम ही चाहिए। अगर हमें मिलेगा तो हम जस्टिफाई करेंगे उसको, हम बोलेंगे हाँ वहां पर है C2 एक्सिस, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो H की जगह पर H है, ये नंबरिंग तो मैंने खुद से डाली है, एक्चुअल में से नंबरिंग तो है नहीं, तो ये वाली हमारी C2 एक्सिस अलोंग एक्सिस में प्रेजेंट है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसी पे लगा के देखते हैं अपनी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे होती है, ऐसे ये है हमारी, ये हमारी C2 मतलब यहाँ पे C2Z। इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे रोटेट करवाएंगे मॉलिक्यूल को, अब हमें करना है इसको कैसे दिखाऊं मैं आपको, जैसे सपोज करते हैं मुझे ना मतलब पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाना है। C2 लगाने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे रोटेट करवा रही हूँ उसको तो क्या होगा, मैंने आपको बताया लेफ्ट वाला पोर्शन राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, वो बताना इजी है। तो मैं रोटेट करवा रही हूँ उसका मतलब क्या है, पूरा मॉलिक्यूल फ्लिप करके ऐसे जा रहा है। जो अगर मैं आपसे लगा दूँ C2Z तो मेरे पास क्या बनेगा, कार्बन को हम ऐसे ही रखेंगे, बस कार्बन में बस अपनी पोजिशन चेंज करेंगे। देखो इस वाले पोर्शन को मुझे पूरा पलट देना है, तो जो ये वाली कार्बन है अगर मैं इसको भी 1 2 मार्क कर दूं, तो C2Z अगर मैं यहां से लगाऊं तो मुझे पूरा रोटेट करना है। ये वाला पोर्शन हमारा राइट है और ये वाला हमारा लेफ्ट पोर्शन है, तो क्या होगा, राइट वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये हमारी C2 आ जाएगी, और जो ये H2 है ऊपर, मतलब अप डाउन वाला चेंज नहीं होगा, बस राइट और लेफ्ट वाला चेंज होगा, और जो हमारी C1 है यहाँ पर, और अगर पूरा ऐसे रोटेट हुआ है तो ये H1 यहाँ पर और ये H3 यहाँ पर। तो फिर से क्या है, इक्विलेट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारे C2Z भी प्रेजेंट है और C2X भी प्रेजेंट है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चेक करेंगे C2Y एक्सिस। अब C2Y मतलब क्या, ये हमारी Z एक्सिस थी, ये हमारी X, और अब Y क्या है, Y है हमारी यहां से, हम यहां से लगाते हैं पूरा रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को डायगोनली। अब वो कैसे होगा देखते हैं एक बार फिर से। अब मैंने एक्सिस यहां से पास करनी है, उस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाना है। रोटेट करवाने का मतलब क्या होगा, डायगोनल एक्सचेंज होंगे, इसको मतलब मैंने पूरा फ्लिप करके यहां तक ले जाना है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं, सपोज करते हैं ये है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इधर आपका लगा हुआ है H, एक H ये लगा हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आया। ये दोनों कार्बन कार्बन यहां पर है, ये आपका H2 ये वाला, और ये H3 वो यहां पर मैंने लगाया। अब मैं आपको बोल रही हूं कि आपको सेंटर से जो हमारी Y एक्सिस यहां पर है, जैसे इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से रोटेट होगा ऐसे, आपको समझ आया। अभी ये ऐसे है
जैसे ही मैंने लगाया तो मैंने क्या बोला आपको डायगोनली चेंज हो जाती है वाई एक्सिस को लगाने से, तो क्या होगा जैसे ही मैंने यहां से रोटेट करूंगी इस मॉलिक्यूल को मैं से, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे है अभी, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो बस मुझे वही करना है। अब भाई मैं लिखती हूँ यहां पर, तो क्या होगा ये कार्बन यहां पर, तो ये वाला H3 इसकी पोजीशन में चला गया यहां पर, ये वाला H3 और H2 यहां पर आ गया, यही हुआ है। ऐसे ही सेम चीज जो है इन दोनों के साथ में होगी, तो यहां पर आ जाएगा H4 और यहां पर आ जाएगा हमारा H1। तो मतलब अभी देखो फिर से ये इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसमें क्या है C2Y भी प्रेजेंट है। तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास एथीन, इसमें C2Z भी है, C2X भी है और C2Y भी है। अब क्या होता है इस वाले केस में ना, उसको इस तरह से देखते हैं हम ना, किसी एक को जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस होती है और सब्सिडियरी एक्सिस होती है। अब यहां पर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है जिसका एन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, बट यहाँ पे एन की वैल्यू तो तीनों ही केसेस में 2 है, C2 एक्सिस ही है हर जगह पे। तो हम क्या करते हैं किसी एक को, ऐसे वाले केसेस में किसी एक को प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, और मैक्सिमम केसेस में ज्यादा अब ना किसी को भी मान सकते हो, ये नहीं बोल रहे आपको एक्स मान के आपको जेड ही माननी है, बट क्या होता है हम ना एक सिस्टम फॉलो कर सकते हैं कि हमेशा हम हर केस में उसी को फॉलो करेंगे, तो मतलब इजी रहेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं C2Z को मान लेती हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन होती है, क्या वो यहाँ पर मिलेगी, या तो इसमें 0 C2 होंगे, मतलब इसके अलावा या तो इसमें एक भी C2 नहीं होगी, C2 एक्सिस नहीं होगी, या फिर कितने होंगे 2 C2। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने पहले वाली 3 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके देख लो, उसके बाद ये बहुत ईजी लगेगा आपको। अब वही कंडीशन, या तो इसमें एक इसके अलावा या तो इसमें एक भी C2 एक्सिस नहीं होगी, मतलब 0 C2 एक्सिस होंगी, या फिर कितनी जो ये वैल्यू होती है वही 2 C2 एक्सिस होंगी। तो ये वाला केस तो नहीं है हमारे पास, कौन सा केस है ये वाला, मतलब इसमें C2Z एक्सिस है और 2 C2 और है। ये 2 कौन सी है, एक है हमारे पास C2X और एक है हमारे पास C2Y, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मुझे जिसने आपको बताना था वो मैंने बता दिया, बाकी केसेस में आप लगा के देख सकते हो, वरना सारे एग्जाम्पल हम करेंगे अब लगा के, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करवाती हूँ कि जैसे मैंने आपको एक्सिस वाला बताया है यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ का, अभी हम इसको पढ़ते हैं प्लेन के केस में, कि जब भी हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो अगर मैं आपको बोलती हूँ σXZ तो क्या आप इमेजिन कर पाते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि मैं कैसी टर्म आगे यूज करने वाली हूँ। ये हमारी जेड एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। अब देखो जैसे हम बात कर रहे थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, उसमें क्या होता है हम एक लाइन पास करते हैं, उसके अराउंड रोटेशन करवाते हैं, इतना खत्म होता है, मतलब एक ही लाइन पास करते हैं। वो लाइन हो सकती है या तो हम जेड एक्सिस के अराउंड पास करते हैं या फिर एक्स या फिर वाई, यहाँ पर हमारी बात खत्म होती है। बट जब मैं बात कर रही हूँ प्लेन की, तो प्लेन इज बेसिकली इस टाइप से कुछ ऐसे ऐसे होता है प्लेन, मतलब सपोज करो मैं मिरर इंसर्ट कर देती हूँ उसके बीच में, अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसको हम इस तरह से मान सकते हैं, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है बीच में, मिरर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, सपोज यहाँ पर मैं मिरर उठा के यहाँ पे ऐसे रख दू, हमने मान लिया हमारा मिरर जो है वो इस शेप का है। तो अब क्या है, अब ये अगर लाइन है वो तो 1D है, इसके लिए मुझे एक ही एक्सिस चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये क्या है प्लेन इस तरह का है, मुझे एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए या फिर एक्स और जेड, मतलब कोई भी 2 एक्सिस चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे अगर मैं ऐसे भी बनाती हूँ प्लेन को तो यहाँ पर मेरी 2 एक्सिस आ गई, ये तो मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी कौन सी है, ये वाली जेड एक्सिस है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है 2 की बात करनी है, समझ रहे हो आप। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास ना 2 केसेस बनते हैं, अब मैं आपको ना एक बात समझाती हूँ कि जैसे ना वॉटर मॉलिक्यूल फिर से कंसीडर करते हैं, हमारा एक्सिस वाला काम हो चुका है, अभी हमें बात करनी है प्लेन ऑफ सिमेट्री की। हमने ये पहले ही देखा था, मैं आपको बोलती हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, हम मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली बाइसेक्ट करते हैं, सिमेट्रिकली बाइसेक्ट करते हैं। तो सिमेट्रिकली बाइसेक्ट कैसे होगा, अगर मैं इसके बीच में रख दूं मिरर तो क्या होगा, ये वाला लेफ्ट पोर्शन, ये वाला राइट पोर्शन, अगर इसको मैं ओरिजिनल मानूं तो इसको मैं बोलूंगी उसकी मिरर इमेज है, इसी तरह से होता है। अब अगर मैं पास कर रही हूं मिरर यहां से, इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सी एक्सेस मेरी इंक्लूड हो रही है, तो आप देखो ये है मेरी जेड एक्सेस, ये है एक्स, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेड, ये एक्स और ये है वाई,
ऐसे ही है। और मुझे फेविकोल पता नहीं कहां मिलेगी, इसको चिपका लूं मैं ऐसे कर, ऐसे है। अब मैं आपको ऐसे ही है, नीचे वॉटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आपको बोल रही हूँ सेंटर से मुझे इसको कट करना है। सेंटर से कट करने का मतलब क्या है, ये वाला पेन भी कट, पेन ये वाली वाई एक्सिस जो है, ये वाली वाई एक्सिस भी कट होगी और जो ये वाली हमारी जेड एक्सिस है वो भी कट होगी। तो मतलब अगर मैं यहां से इसको कट कर दूं तो वो वाई एक्सिस से पास होगा और जेड एक्सिस से भी पास होगा। तो जो सिग्मा तो मेरा हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ सिग्मा से, तो ये मेरी वाई एक्सिस भी यहाँ पर है और जेड एक्सिस इसमें इंक्लूड होगी। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे पास करती हूँ तो मेरी ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस भी कट होती है, तो यहाँ से मैं आ गया सिग्मा बाय जेड, इतना ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक प्लेन ऐसे भी हो सकता है जो ऑक्सीजन को और दोनों जो हाइड्रोजन है दोनों को कट करेगा, तीनों को कट करेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इस तरह से करते हैं कि प्लेन यहाँ से आ रहा है। तो जब यहाँ से प्लेन आएगा तो इसका तो कोई रोल नहीं है, यहाँ से कट करना है। तो ये मेरी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अब वो किससे पास करेगा, ऐसे बोर्ड के साइड से आएगा ऐसे की साइड, तो जेड और एक्स, तो यहाँ पे होगा सिग्मा एक्स जेड। आपको समझ आया, अब मैं हटा देती हूँ यहां से ये। तो जब अगर हम बात कर रहे हैं वॉटर मॉलिक्यूल की, तो जब मैं बोल रही हूँ यहां से आपको कट करना है तो मतलब मेरा वाई और जेड इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूँ आपको इस तरह से कट करना है कि तीनों ही कट हो, तीनों एटम्स कट हो, तो अब मेरा एक्स और जेड कट हो रहा है। तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं सिग्मा वाई जेड। तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि हम ये फिक्स कर लेते हैं एक्स वाई जेड। जब भी मैं आपको बोलूंगी सिग्मा वाई जेड, आप समझ जाना कि मैं इस वाले प्लेन की बात कर रही हूँ। और जब आपको बोल रही एक्स जेड, एक्स जेड मतलब ऐसे कट रहा है, एक्स और जेड को मुझे कट करना है, कैसे होगा, इसी तरह से कट करूंगी तो ही दोनों एक्सेस आएंगी। और अगर मैं ऐसे कट कर देती हूँ तो क्या होगा, मेरा वाई और जेड आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो ये वाला है हमारे पास मॉलिक्यूल, इसमें हम चेक करते हैं। अगर आप चेक करोगे इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री, आपको वैसे बता देती हूँ बट आपको करके देखना है। पहले हम पास करेंगे यहां से अगर हम पास करते हैं तो क्या होगा, अगर मैं इसको रोटेट कराती हूँ तो क्या होता है, जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर की साइड जाती है। अगर मैं सी टू एक्स मान लू इसमें तो क्या होगा, मेरा ये वाला ऊपर की साइड चला जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा नीचे की साइड। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, हमें जो यहाँ पर एटम था वहीं पर वापस से एटम चाहिए, तो नीचे वाली साइड पर कोई एटम आया ही नहीं है, तो इसमें सी टू एक्स प्रेजेंट नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप जेड पास करेंगे यहां से, पहले जेड एक्सिस चेक करेंगे ऐसे करके। जेड में क्या होता है, लेफ्ट वाला पोर्शन राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। तो उसको मैं अगर रोटेट करती हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तो फिर से वही आ गया, हमें तो एटम की जगह पे एटम चाहिए, हमारे नीचे की साइड एच था, हमें यहाँ पे नीचे की साइड एच चाहिए, तो नहीं आया है, तो इसमें सी टू जेड भी प्रेजेंट नहीं है, इतना ठीक है। अभी हम इसमें लगाते हैं सी टू वाई एक्सिस, मतलब यहां से अगर मैं यहां से इसको रोटेट करती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था डस्टर के साथ दो पेन लगा के ऐसे ऐसे, तो ये वही तो है। अगर इसको मैं रोटेट करती हूँ यहाँ पर, इसको वन टू मार्क कर दूं अगर, तो क्या होगा, इसको जैसे ही रोटेट करूंगी तो ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ये वाला एच आ जाएगा यहाँ पर एच टू और ये आ जाएगा एच वन। तो हमारा क्या हुआ, जो एटम था पहले जिस पोजीशन पर उसी पोजीशन पे हमें हाइड्रोजन मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, सी टू वाई एक्सिस प्रेजेंट है, ये दोनों नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, दो हमें कंसिडर करने होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में, या तो सिग्मा वाई जेड होता है या फिर सिग्मा एक्स जेड होता है। तो हम सिर्फ यही दोनों चेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं कंसिडर करती हूँ सिग्मा वाई जेड, सिग्मा वाई जेड का मतलब क्या है, ये एक्स, ये जेड, ये वाई, ऐसे ही है। तो सिग्मा वाई जेड का मतलब क्या है, वाई और जेड कट होने चाहिए प्लेन से, मतलब मुझे प्लेन इस तरह से डालना है कि वो इन सबको दोनों को कट करता हुआ जाए। तो अगर मैं ऐसे मान लूं और यहां से प्लेन बीच में ऐसे डाल दूं ऐसे करके, तो मतलब प्लेन इस तरह से कट कर रहा है, तो ये क्या है, तो ये वाला तो प्लेन तो नहीं है, मतलब प्लेन में हमें क्या चाहिए, जो ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पर दिखना चाहिए बट यहाँ पर तो नहीं है, तो इसमें सिग्मा वाई जेड नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, सिग्मा एक्स जेड डालने की ट्राई करती हूँ, सिग्मा एक्स और ये आया जेड इस तरह से ऐसे। तो अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूं तो ये सारे प्लेन में है, अगर कोई प्लेन इस तरह से आए सबको कट करता हुआ, दोनों ऑक्सीजन को भी और एच को भी, तो वो सारे एटम्स को कट कर देगा। तो वहां पर क्या है, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसमें क्या है, सिग्मा एक्स सेड, इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी टू वाई है और सिग्मा एक्स सेड है, इस तरह से हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमारा ये खत्म हो गया।
अच्छा एक और बात, मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ाते टाइम कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पैरेलल होता है टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा पैरेलल होता है टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कैसा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री? वर्टिकल। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अगर हमारा पीओएस परपेंडिकुलर होता है टू प्रिंसिपल एक्सिस तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा एच। तो जो ये वाला है सिग्मा एक्स जेड, अब ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल वो कैसे देखेंगे? हमारी ये थी वाई एक्सिस और हमारा प्लेन कैसा आया है? प्लेन आया है यहां से, तो ये क्या है इसके परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो जो हमारा सिग्मा एक्स जेड है वो हमारा सिग्मा एच है। ठीक है, ऐसे देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है? सी टू वाई है और सिग्मा एच है। और क्या देख सकते हैं? अगर हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन की बात करें तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊ मॉलिक्यूल का सेंटर, यहाँ जा रहे तो ऑक्सीजन मिल रहा है और यहाँ पर इसके बैक साइड में तो ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके बाद यहाँ से एच मिल रहा है और इसी डायरेक्शन में एच मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है? इन्वर्जन सेंटर भी प्रेजेंट है। इस तरह से हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कवर होता है। अब ना एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारी है क्या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे मैंने आपको समझाया था सी एच फोर के केस में अगर हम बात कर रहे हैं एस एन एक्सिस की, एस एन मतलब इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसके लिए ना जैसे मैंने आपको सी टू के लिए बताया है कि जो सी एन एक्सिस होती है या तो इसमें जीरो सी टू होंगे या फिर एन नंबर ऑफ सी टू होंगे, एक ये रूल बताया था। उसके बाद अगर यहाँ पे सी एन एक्सिस है तो यही रूल लगता है हमारा इसके लिए सिग्मा वी के लिए भी, या तो उसमें जीरो सिग्मा वी होंगे या फिर उसमें एन नंबर ऑफ सिग्मा वी होंगे, ऐसे ही होता है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद हाँ एस एन एक्सिस, एस एन के लिए आपको ध्यान ये रखना है एस एन का मतलब क्या होता है? पहले हम सी एन लगाएंगे और उसके बाद उसका लगाएंगे परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसे ही करते हैं परपेंडिकुलर प्लेन यही लगाते हैं। तो यहां पर क्या है आपको एक बार ध्यान ये रखनी है, सपोज करो मैं यहां पर बोल रही हूँ एस फोर, तो एस फोर का मतलब क्या है? पहले हम लगाएंगे सी फोर एक्सिस, सपोज करते हैं सी फोर हमने जेड के अलोंग लगा दी तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? सिग्मा एक्स वाई, ये प्लेन लगाएंगे। इस तरह से चेक करते हैं। तो यहां मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी मोलिक्यूल में एस फोर एक्सिस है तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें सी फोर भी होगी। हम सी फोर अपनी तरफ से लगा रहे हैं उसमें सी फोर को, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सी एच फोर का मीथेन का, तो इसमें वैसे सी फोर एक्सिस नहीं होती है बट इसमें एस फोर होती है। तो एस फोर एक्सिस के लिए मतलब एस एन एक्सिस के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसमें अगर एस फोर है तो उसमें सी फोर हो, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है? एक तो ये कंफ्यूजन आता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता कैसे चलेगा कब आपको देखनी है इसमें एस फोर होगी कब एस टू होगी, उसके लिए आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, बट लेकिन समझना ध्यान से उसको। इधर अगर गलत अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो एस टू, ठीक है, या फिर एच टू नहीं सॉरी, अगर किसी मॉलिक्यूल में है सी टू एक्सिस, ठीक है, तो इसमें क्या है? यहां पर बनते हैं हमारे तीन केसेस। तीन केसेस कैसे हैं? या तो उसमें एक भी एस एन एक्सिस नहीं होगी, जीरो एस एन, ये जीरो है, या तो उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस है ही नहीं, मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में सी टू एक्सिस प्रेजेंट है तो वहां पर हमारे पास तीन केसेस होते हैं, या तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या तो उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी ही नहीं, मतलब यहां पर अभी मैंने सी टू ले लिया तो या तो इसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, या फिर क्या हो सकता है ये सी टू है ना तो यहाँ पे एस टू या फिर इसका डबल मतलब एस फोर, ये है तीन केसेस। या तो है ही नहीं एस एन, अगर है तो एस टू हो सकती है और एस फोर हो सकती है। आपको बस यही देखना है जो भी आपने प्रिंसिपल एक्सिस मॉलिक्यूल में है, प्रिंसिपल एक्सिस या फिर सब्सिडियरी एक्सिस भी, तो उसमें आपको सबके लिए चेक करना है कि अगर सी टू प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में क्या तो जीरो एस एन है मतलब एक भी इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं है, या फिर एस टू है या फिर एस फोर। तो अगर नहीं है तो चलो ठीक है बात खत्म होती है, अगर है तो कौन सी है आपको ये नहीं चेक करना, पहले आप एस वन चेक करोगे फिर एस टू एस थ्री एस फोर, ऐसे चेक नहीं करना है। अब सपोज आप एस थ्री चेक कर लोगे तो पहले उसमें सी थ्री लगाओगे फिर परपेंडिकुलर प्लेन डालोगे फिर देखोगे इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन आई है या नहीं, तो वो सब हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ देखना है हम क्या चेक करेंगे, या तो एस टू, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो एस टू होगी या फिर एस फोर होगी या फिर कुछ नहीं होगा, तो हम सिर्फ ये दोनों ही चेक करेंगे। एक और बात है, अगर इस मॉलिक्यूल में सिग्मा एच प्रेजेंट है, अगर जिस भी मॉलिक्यूल में बात कर रही हूं
अगर उसमें सिग्मा एच प्रेजेंट है तो उसमें एस टू होगी, अगर सिग्मा एच है तो पक्का एस टू होगी, और अगर सिग्मा एच नहीं है तो फिर एस फोर होगी। इस तरह से आपको देखना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है अगर उसमें सी टू एक्सिस है तो आप चेक करोगे, आप सवाल देखोगे उसमें सिग्मा एच है या नहीं। अगर सपोज सिग्मा एच है, अगर सिग्मा एस है तो इसमें एच टू हो सकती है, तो आप सिर्फ एस टू चेक करो। अब एस टू के लिए दो पॉसिबिलिटियां तो होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन अगर होगी तो सिर्फ एस टू ही होगी। अगर इस वाले मॉलिक्यूल में सिग्मा एच नहीं है, सपोज सिग्मा एच नहीं है, तो यहां से दो केसेस बन गए, अगर वो नहीं है इसमें कोई इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो एस फोर ही होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने यहां पे ले लिया वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है सी टू एक्सिस होती है, सी टू एक्सिस होती है, तो अब मुझे क्या करना है, इसमें क्या हमारे ये हमारे सी टू एक्सिस है और इसमें होता है सिग्मा वाई जेड और सिग्मा एक्स जेड, ऐसे ही होता है। तो दोनों ही क्या है पैरेलल है, मतलब सिग्मा एच इसमें, सिग्मा एस इसमें, सिग्मा एच इसमें नहीं है। अब क्या हो गया, अगर सिग्मा एच इसमें नहीं है तो क्या होगा, या तो इसमें एस फोर होगी या फिर कोई भी एस एक्सिस नहीं होगी। सिग्मा एच एक्सन होने से हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं, या तो इसमें एस फोर है या फिर इसमें कोई भी एस एक्सिस नहीं है। अब हम एस फोर कैसे चेक करेंगे, पहले लगाएंगे इसमें एस फोर के पहले लगाएंगे सी फोर। अगर मैं बात करूं S4 की तो पहले लगाएंगे C4, C4 मतलब 90 डिग्री रोटेशन। सपोज करते हैं मैंने यहीं से लगा दिया इसमें C4, C4 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री रोटेट करना है। तो अगर ये दोनों फिर से लेते हैं यहां से पेन, अगर ये दोनों ऐसे हैं, ये हमारा अगर ये है दोनों, ये वाला H ये भी H, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट 90 और ये 180, ऐसे ही होता है 180 में क्या करते हैं पूरा से घुमा देते हैं ऐसे। अब मैं आपको बोल रही हूँ C4 लगाने, C4 मतलब 90 डिग्री रोटेट करना है, 90 मतलब ये ऐसे ही रुकेगा, तो 90 का मतलब हो जाएगा एक एच मेरा ऐसे हो गया है और एक एच मेरा बैक साइड पे चला गया, ऐसे ही हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन डालना है, परपेंडिकुलर प्लेन मतलब इस तरह का प्लेन डालना है। तो इस वाले में अगर मैं इस तरह का प्लेन डालती हूं तो वो तो सिमेट्रिकल ही नहीं है, तो इसमें ये वाला प्लेन अगर नहीं है सिमेट्रिकल, मतलब आप समझ रहे हो ऐसे से मैंने पहले C4 डाला ऐसा, अब मुझे इसका परपेंडिकुलर प्लेन डालना है। परपेंडिकुलर प्लेन मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लेन रख दू नीचे इसके तो मुझे कैसा दिखेगा, मतलब अभी ये कुछ ऐसा हो गया इस तरह का एच होंगे, ये इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दू तो कैसा दिखेगा मुझे ऐसा, मतलब जो ये ऐसे था अभी मुझे ऐसे दिखेगा ऐसे। तो क्या हमारे ये पहले जैसा मॉलिक्यूल है, नहीं पहले जैसा मॉलिक्यूल तो नहीं है, तो इसलिए क्या है इसमें एस फोर एक्सिस नहीं है। तो आपको इस तरह से देखनी होती है सारी एस एन एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल किसी मॉलिक्यूल में सपोज सी सिक्स एक्सिस है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सी सिक्स है, इसका एग्जाम्पल क्या है बेंजीन, जैसे जो बेंजीन होता है हमारे पास उसमें क्या है छह कार्बन आइटम है, तो अगर मैं सेंटर से इधर पास करूं लाइन और रोटेट कराऊं तो छह कार्बन रोटेट करेंगी, तो मतलब उसमें क्या है सी सिक्स एक्सिस, कितना ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या आएंगे तीन केसेस, उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है भी या नहीं है। तो अगर मैं यहां से पास कर रही हूं एक्सिस मेरी इस तरह से है, अगर ये ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन क्या होता है इस तरह से, जो सारे एटम्स को पास करेगा तो वो तो इसमें प्रेजेंट है, सबको कट करेगा। तो यहां पर मेरे पास क्या है, अगर सी सिक्स है तो सिग्मा एच प्रेजेंट है। अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या थी, या तो एस सिक्स होगा या फिर इसका डबल, सिक्स का डबल ट्वेल्व, या तो एस सिक्स हो सकता है या फिर एस ट्वेल्व हो सकता है। अब क्योंकि सिग्मा एच प्रेजेंट है तो क्या होगा एस सिक्स, एस ट्वेल्व नहीं हो सकते, या तो इसमें एस सिक्स प्रेजेंट होगा या फिर कोई भी एक्सेस ऑफ इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो अगर आपको चेक करनी है आपको इसमें, तो आप क्या करोगे सिर्फ एस सिक्स चेक करोगे। एस सिक्स कैसे चेक करेंगे, पहले लगाएंगे सी सिक्स एक्सेस, अभी मैं सी सिक्स लगा रही हूं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं सी सिक्स लगा रही हूं उसका मतलब क्या होगा, ये वाला इस वाली पोजिशन में चला जाएगा, तो मेरे पास अब क्या बनेगा, मतलब ये इसकी पोजीशन पर ये इसकी पोजीशन पर, तो मैं एक शिफ्ट कर देती हूँ, ये सिक्स ये फाइव फोर थ्री टू वन ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इस पे लगा रही हूँ सी सिक्स एक्सिस तो क्या होगा, वन सिक्स की पोजीशन पर, वन को मैंने सिक्स की पोजीशन पर भेज दिया, ऐसे ही सिक्स फाइव की पोजीशन पर, फाइव सिक्स की पोजीशन पर, ऐसे करना है। तो ये तो मेरा लग गया क्या सी सिक्स यहां से, अब मुझे क्या करना है इसके परपेंडिकुलर प्लेन डालना है, परपेंडिकुलर प्लेन मतलब यहां से कट करता हुआ प्लेन डालना है। तो अगर मैं कट करता हूँ प्लेन भी डालती हूँ तो वो क्या है सारे एटम्स से पास कर रहे हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकली बाइसेक्ट कर रहे हैं उसको, तो उसमें क्या है वो वाला प्लेन भी है,
पहले हम बात कर रहे थे सी सिक्स अलोंग जेड एक्सिस, उसके बाद सिग्मा एक्स जेड, ये हो गया और सिग्मा एक्स जेड एक्स जेड। अच्छा अगर मैं ये वाली बात करती हूँ, सिग्मा जो सी सिक्स है वो बाई के होंगे ऐसे, है ना, ऐसे ये वाई एक्सिस है हमारे यहाँ पर। तो ये क्या है, ऐसे वाला प्लेन जो एक्स जेड के है, तो हमारे दोनों ही से प्रेजेंट है, तो इसमें जो बेंजीन होता है उसमें हमारे पास क्या है, एस सिक्स प्रेजेंट होती है। तो बस ये वाली कुछ ट्रिक्स थी जो आपको याद होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पॉइंट ग्रुप की, उसको देखने से पहले जितनी भी ट्रिक्स मैंने बताई है उसको एक जगह पे नोट कर लीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, तो उसके बाद आपके पॉइंट ग्रुप्स निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।